सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। अब नाटक के रूप में रचित इस ग्रंथ राज समय सार का अंतिम नवा दृश्य प्रारंभ होता है। इसमें जीव तत्व से लेकर मोक्ष तत्व तक के स्वांग दिखाने के बाद सभी तत्वों में चैतन्य स्वरूप प्रकाशित होने वाले ज्ञान के सर्व विशुद्ध स्वरूप का प्रकाशन कराया गया है। यहां भगवान आत्मा सर्व विशुद्ध ज्ञानमय ही होने से अधिकार के अंत में उसे रंगमंच से बाहर नहीं किया गया है। देह में रहने वाला भगवान आत्मा देहादि पर द्रव्यों व उनके भावों से रहित, कर्तृत्व भोक्तृत्व के भावों से रहित, बंध मोक्ष की रचना से रहित, ज्ञान 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 मात्र ज्ञान स्वभाव वाला है। ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपने ज्ञान की स्वच्छता के कारण ज्ञेयों का, विश्व के समस्त द्रव्य गुण पर्यायों का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान आत्मा का है, वो पर द्रव्यों का ज्ञेयों का नहीं है। आचार्य श्री कुंद देव प्रेरणा करते हैं, हे भव्य जीवों, विश्व के द्रव्यों से दृष्टि हटाकर पूर्ण ज्ञान स्वरूप एक निज परमात्मा को देखो। अपने उपयोग को ज्ञान स्वरूप में स्थापित करके निज भगवान आत्मा का ध्यान करो, निज भगवान आत्मा का अनुभव करो, उसी में विहार करो, तुम्हें नियम से अक्षय सुख की प्राप्ति होगी।